निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अध्याय नंबर 3, जिसमें हम परागण और निषेचन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है भ्रूणकोश का परिवर्धन या विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वह है भ्रूणकोश का परिवर्धन या विकास। पिछली जो ऑनलाइन क्लास ली थी उसके अंदर हमने दोहरा निषेचन के बारे में बात करी थी। उसमें हमने यह भी बताया था कि एम्ब्रियो शेक के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण कोश का भी निर्माण होता है। थोड़ा सा वापस उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने के बारे में चर्चा कर रहे थे और यहां पर हमने देखा था कि एक परागनलिका इधर से प्रवेश करती है। परागनलिका जब प्रवेश करती है तो उसके साथ में यहां पर एक काई कोशिका होती है और दो नर केंद्रक आते हैं। जब ये अंदर प्रवेश कर जाती है तत्पश्चात यहां पर उपस्थित सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और बाद में एक नर केंद्रक इसके साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। तत्पश्चात जो दूसरा केंद्रक होता है नर युग्मक होता है वे इसके साथ प्रवेश करता है और इस द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का। इसको शॉर्ट हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, नर युग्मक जो परागनलिका से आया था, ठीक है, और यहां पर क्या थी, अंड कोशिका। दोनों क्या थे, अगुणित थे, अर्थात ये एंड और ये एंड हैप्लोइड। और जब इनमें सलेन क्रिया हुई, निषेचन की क्रिया हुई, इनसे क्या बनता, इनसे जो वास्तविक है वो जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट आगे जाकर क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है और यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। फिर हमने बात करी थी कि जो दूसरा नर युग्मक था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नर युग्मक, ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड नर युग्मक अंदर प्रवेश करेगा और किसके साथ जुड़ेगा, द्वितीय केंद्र के साथ। हमें ये भी पता है कि ये कोशिका एक थी लेकिन इसके अंदर केंद्र कितने थे, दो थे, तो ये एंड हो गया अगुणित, जिस प्रकार ये था अगुणित ये भी अगुणित। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर द्विगुणित, एक और दो, दो केंद्र इसके अंदर थे इसलिए उसको द्विगुणित संरचना बोला। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, अर्थात यहाँ पर त्रिक संयोजन की क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप आगे जाके किसका निर्माण हुआ था, PEN। हम जानते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, अर्थात प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण हो जाता है जो कि क्या होता है, 3 × 2 तो ये था और एन, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया, 3N या त्रिगुणित संरचना का निर्माण यहां पर हो जाता है। ये होगी हमारी त्रिगुणित संरचना और बाद में यही पेड़ आगे जाके डेवलप होकर क्या करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये भी क्या होती है, एक तरह से ये भी 3N होता है, अर्थात ये भी त्रिगुणित संरचना होती है और ये क्या करती है, यह इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये सभी हम पहले पढ़ चुके थे, एक बार इसको वापस देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने सुखा लिया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जो एंडोस्पर्म जो बनता है, एंडोस्पर्म जो बनता है वह जिम्नोस्पर्म में भी बनता है और एंजियोस्पर्म में भी बनता है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक फर्क है वो हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियो की।
और जिम्नोस्पर्म की आवर्तबीजी हो गए और ये अनावर्तबीजी हो गए। इसमें जो एंडोस्पर्म बनता है और इसमें भी एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन फर्क है इसमें जो एंडोस्पर्म बनता है वो कब बनता है, अभी जो हम पढ़ रहे एंडोस्पर्म का निर्माण कब हुआ था, निषेचन की क्रिया के पश्चात। तो एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वह निषेचन के पश्चात बनता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म का निर्माण क्या हो जाता है, निषेचन से पहले ही हो जाता है, निषेचन से पहले। आगे बात समझ गए, एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें निषेचन से पहले ही उसका निर्माण हो जाता है। चूंकि निषेचन के बाद में निर्माण होता है तो ये दोनों संरचनाएं जुड़ जाती है और बाद में क्या बनती है, एक 3M या 3-गुणी संरचना बनती है। ठीक है, क्या करती है, यह एक 3-गुणी संरचना बनाती है, लेकिन चूंकि निषेचन से पहले ही हो जाता है इसमें नर और मादा युग्मकों का पहले संलयन नहीं हो पाता है, इसलिए अगुणित होती है और अगुणित ही रहती है, यह अगुणित संरचना रह जाती है। अब एक बात और कर लेते हैं, चूंकि हमने ये अगुणित वाली भी बात कर ली, हमने त्रिगुणित की बात भी कर ली। कुछ पादप ऐसे होते हैं द्विबीजपत्री पादप जिसमें एक फैमिली है ऑर्किडेसी, कौन सी है, ऑर्किडेसी। इसके अंदर जो होता है वह जो भ्रूण कोष होता है वह पाया नहीं जाता, वह क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो बात आपको अब समझ में आ गई कि जिम्नोस्पर्म के अंदर निषेचन से पहले ही एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है और वह क्या होता है, अगुणित होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के पश्चात इसका निर्माण होता है और यह संरचना क्या होती है, त्रिगुणित। और ऑर्किडेसी फैमिली ऐसी है जिसके अंदर भ्रूण कोष क्या होता है, वह पाया नहीं जाता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या भ्रूण कोष के प्रकार। देखिए परिवर्तन के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, वैसे तो इनके एक दो प्रकार और भी हैं, लेकिन हम जो मुख्य है वो तीन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है केंद्रकीय भ्रूण कोष, ठीक है, दूसरा हो गया कोशिकीय भ्रूण कोष और तीसरा है फैलोपियन भ्रूण कोष। तो परिवर्तन के आधार पर जो भ्रूण कोष होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, पहला हो गया केंद्रकीय भ्रूण कोष, दूसरा हो गया कोशिकीय भ्रूण कोष और तीसरा हो गया फैलोपियन भ्रूण कोष। ये जो होता है वह आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56% जो कोण होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार जो कोशिकीय भ्रूण कोष होता है वह लगभग 25% कुलों के अंदर पाया जाता है और ये जो होता है वह लगभग 17%। तो अपन इनमें से कर लेते 56-25-17 लगभग 98%। तो हमने यहाँ पर 98% की बात कर ली, तो कुछ और भ्रूण कोष होते हैं जो हमारे सिलेबस में से है नहीं तो उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, 2% उनके अंदर होते हैं, पर मेनली जो तीन प्रकार के होते हैं उनमें केंद्रीय भ्रूण कोष 56%, कोशिकीय भ्रूण कोष 25% और हेलोबियन भ्रूण कोष होता है वो 17% पादपों के अंदर पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूण कोष। तो पहला अपना टॉपिक है केंद्रकीय भ्रूण कोष, जिसको हम मुक्त या
स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणकोष भी कहते हैं। ठीक है, पहला है हमारा केंद्रीय भ्रूणकोष, जिसको हम मुक्त या स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणकोष। नाम स्पष्ट है, केंद्र है क्या, यहाँ पर मुक्त है या स्वतंत्र है, किस प्रकार से, वो भी आपको बता देंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया कि यह लगभग 56% पादपों के अंदर पाया जाता है। कौन से पादप? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोष होता है। सामान्य प्रकार का मतलब है अधिकांश पादपों में पाया जाता है, लगभग 56% जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। देखिए जो पेन होता है, जो त्रिभुज संरचना एम्ब्रियो के अंदर बनी थी, भ्रूण के नीचे संरचना बनी थी पेन, अब इस पेन या प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र के अंदर विभाजन होता है। देखिए विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन दो प्रकार का होता है। विभाजन जब भी होता है तो एक तो केंद्र का विभाजन होता है और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्र के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, एक हो गया केंद्र विभाजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, जब हम समसूत्र विभाजन पढ़ रहे थे उसके अंदर ये बातें आ चुकी है। और जो दूसरा विभाजन होता है वह होता है उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको हम कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जब ये साइटोकाइनेसिस होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। वॉल फॉर्मेशन का अर्थ होता है कि इसके द्वारा क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। तो आगे बात समझ में, तो अब देख लीजिए जो पेन होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सर्वप्रथम क्या होता है, विभाजन होता है। अब विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्र विभाजन, एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इन दोनों का यहां पर क्या रोल है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जो पेन होता है, अब इस पेन में क्या होता है कि इसके अंदर बारंबार विभाजन होते हैं। क्या होता है, बारंबार विभाजन होता है। अब विभाजन तो होता है, लेकिन विभाजन में केंद्र विभाजन तो लगातार होता रहता है, लेकिन उसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता। अर्थात इसके अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन था, अर्थात जो केंद्र विभाजन, शॉर्ट में मैं यहां पर उसको न्यूक्लियर डिवीजन भूल लिख रहा हूं। तो यहां पर केंद्र विभाजन तो क्या होता है, लगातार होता रहता है। तो लगातार केंद्र का विभाजन होगा तो उसके अंदर केंद्रों की संख्या असंख्य हो जाएगी, तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, असंख्य केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अतः इस पेन के अंदर बारंबार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें केंद्र विभाजन तो क्या होता है, लगातार होता रहता है। और जब केंद्र लगातार विभाजित होंगे तो वो असंख्य केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, लेकिन इसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है, वॉल फॉर्मेशन का, अर्थात भित्ति का निर्माण करने का कार्य। तो इसमें केंद्र का तो निर्माण हो गया, लेकिन उसके अंदर भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता। तो अर्थात इसके अंदर साइटोकाइनेसिस क्या था, यहां पर अब्सेंट था, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, अपसेट होगा। अर्थात इसके अंदर केंद्र तो लगातार बनते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं हुई, इस कारण उसके अंदर भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार जब भित्ति का निर्माण नहीं होगा तो केंद्र क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और उस कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार का जो ये विभाजन हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मुक्त या स्वतंत्र केंद्र के भ्रूणकोष। अर्थात जो केंद्र बनते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मुक्त या स्वतंत्र केंद्र के भ्रूणकोष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसका डायग्राम आएगा वो भी आपको समझा देंगे। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं कि यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोष होता है, जो कि आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56% फूलों में पाया जाता है। यह अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है।
हमने ये भी बता दिया था कि इसमें जो होता है पेन होता है उसमें बारंबार समसूत्री विभाजन या केंद्र विभाजन होता है जिसके कारण अस्थन के केंद्र तो बन जाते हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती जिससे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है इस कारण यहाँ पर भित्ति नहीं बन पाती है और केंद्र क्या हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मुक्त या स्वतंत्र केंद्र के भूकोष भी हम कहते हैं। अब इसका एक डायग्राम है उस डायग्राम को आप देख लीजिए और ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा चित्र आप समझ गए होंगे ये कौन सा है ये आपके एम्ब्रियो सैक है ठीक है और ये आपका क्या हो गया एम्ब्रियो ठीक है और बीच में यहां पे क्या बन गया था आपका त्रिगुणित एंडोस्पर्म बन गया था एंडोस्पर्म ठीक है ये जनरल संरचना आपके सामने आ गई ठीक है। अब इसमें क्या होगा न्यूक्लियर डिवीजन आ गया मुक्त केंद्रीय विभाजन हिंदी में क्या बोलते इसको मुक्त केंद्रीय विभाजन अर्थात इसके अंदर केंद्रकों का विभाजन होगा तो जिसके पांचवी संरचना बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ये आपका एम्ब्रियो बना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ये एम्ब्रियो क्या और इसमें जो विभाजन हुआ तो एक से क्या बन जाएंगे वो बन जाएंगे तो ये लीजिए एक और दो बार बार विभाजन होते हैं ठीक है। अब आगे हम इसको ये लिख रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन अर्थात केंद्रीय विभाजन विभाजन कौन से मुक्त केंद्र की है अर्थात इसके अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है ओनली और क्या हो रही है यहां पे केवल कैलियोकाइनेसिस की क्रिया हो रही है यहां पे साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं हो रही है। तो आगे जो संरचना बनेगी उसके अंदर जो ये हो गया आपका एम्ब्रियो ठीक है और जो केंद्र है इस प्रकार से इसके अंदर खूब सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपका केंद्र की भ्रूणकोश बन चुका है वैसे इसके अंदर मुक्त केंद्र बन चुके हैं लेकिन इनके अंदर किस कहीं पर भी अभी भित्ति नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस क्रिया नहीं होती न्यूक्लियर डिवीजन। और अब देखिए इसका अंतिम जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब ये विभाजन होता रहता है तब इसके अंदर बीच में क्या होता है एक भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस भित्ति के चारों ओर क्या हो जाते हैं ये केंद्र इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ये मुक्त केंद्र हो गए तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा ये जो चित्र है वो किसका है हमारे पास केंद्र की है भ्रूणकोश का। आगे पास समझ में बीच में ये जो है वो क्या है रिक्ति का और यहां पे जो हमारे पास है ये क्या है एम्ब्रियो। आगे पास समझ में अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि ये जो केंद्रीय भ्रूणकोश है अब यदि इसमें यदि साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाती है ये देखिए साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन की घटना हो जाती है तो अब यहाँ पे क्या प्रयोग आ जाता है इस प्रकार से जो केंद्र बिखरे हुए थे जो केंद्र मुक्त रूप से थे अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो रही है। तो आप खुद सोचिए जब साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाती है तो क्या होता है वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब देखिए इनके मध्य क्या होगी ये देखिए वॉल का निर्माण हो गया अर्थात यहां पर ये देखिए इस प्रकार से वॉल का निर्माण हो जाता है। तो जो केंद्र की भ्रूणकोश यहां पे था वह केंद्र की भ्रूणकोश किसमें चेंज हो गया जो दूसरा प्रकार आपको बताया था उसी की भ्रूणकोश। तो अब यहां पर कोशिकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है अर्थात जो केंद्र की भ्रूणकोश होता है वह आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश के अंदर बदल जाता है। आप इसका चित्र बना लीजिए और ये यहां पर भी एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि ये सभी जो केंद्र होते हैं वह कहां पर होते हैं परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं अर्थात आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जितने भी केंद्र के वो सब कहां पर चले गए हैं परिधि पर चले जाते हैं तथा मध्य में देखिए
पेशिका बन जाती है। अंत में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है जिससे क्या होता है भित्ति का निर्माण हो जाता है और जो केंद्र के भ्रूणकोश था वह कोशिकी भ्रूणकोश में बदल जाता है। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो भित्ति निर्माण होता है वह क्या होता है अभिकेंद्रीय होता है। अभिकेंद्रीय का अर्थ होता है कि जो भित्ति का निर्माण होता है अभिकेंद्रीय आप लिख लीजिए अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपेटल बोलते हैं ये अभिकेंद्रीय होता है अर्थात जो परिधि की ओर जो होते हैं जो ये कोशिका जो केंद्र बने वो परिधि से केंद्र की ओर जाती है इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय विन्यास। तो इस प्रकार शॉर्टली मैंने आपको बता दिया कि केंद्र के भ्रूणकोश होता क्या जैसे इसके अंदर पेन होता है ठीक है ये पेन कहते हैं शिक्षण में वास्तव में क्या था PEM तो ये आगे का ग्लास को क्या बनाएगा ग्लास जो संरचना बन जाएगी इनको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो पेन था इसमें विभाजन हुआ विभाजन कौन सा मुक्त केंद्र की विभाजन हुआ जिससे दो केंद्र बन गए अब इनमें वापस कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप असंख्य केंद्र बन जाते हैं इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार आगे और विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बाद में होता है परिधि की और केंद्र इकट्ठे हो जाते हैं और मध्य या केंद्र के अंदर क्या होता है मध्य या रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। और यदि और ये सारा चित्र जो है वो क्या कहलाता है ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वह है केंद्रीय भ्रूणकोश का। और यदि इसके अंदर यदि साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाती है तो ये आगे जाकर किस पर चेंज हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन क्योंकि यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा जो है वो वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा भित्ति का निर्माण हो जाता है। चित्र आपने ले लिया होगा। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको नारियल के बारे में। उदाहरण है नारियल देखिए जो नारियल आपने देखा होगा नारियल अब नारियल में दो प्रकार के जो है भ्रूणकोश पाए जाते हैं। देखिए नारियल में जनरली इसका उदाहरण माना गया लेकिन वास्तव में इसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं इसमें दो प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं। पहला होता है लिक्विड और दूसरा होता है सॉलिड ठीक है। देखिए नारियल के पात्र के जो जो फल होता है उसके अंदर दो प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं एक तो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सॉलिड एंडोस्पर्म। लिक्विड जो तरल भाग होता है अर्थात नारियल का जो पानी होता है जो नारियल का जो पानी होता है वह क्या होता है लिक्विड एंडोस्पर्म और उसमें जो पानी के अंदर जो केंद्र होता है वो मुक्त रूप से होते हैं। और चूंकि मैंने कहा एंडोस्पर्म होता है वो क्या होते हैं पोषक पदार्थ होते हैं तो नारियल का पानी बहुत ही पोषक पदार्थ वाला होता है। तो नारियल जो पानी होता है वह कौन सा हो गया ये आपका केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण हो गया। केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण हो गया। ये नारियल का जो क्वेश्चन है ये पता नहीं कितने कॉम्पिटिशन चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो चाहे आपके नीट का हो चाहे वो पहले जो पीएमटी का एग्जाम हुआ करता है AIPMT होता था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो नारियल के अंदर जो भ्रूणकोश कौन सा पाया जाता है नारियल पानी का पूछे तो आपको क्या बताना केंद्रीय भ्रूणकोश। और यदि जो सॉलिड भाग होता है जो नारियल के बीच जो सफेद रंग का भाग होता है उसको गिरी बोलते हैं। गिरी जो सफेद भाग होता है उसके अंदर क्या होता है केंद्र के बाद में क्या होता है उसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो गई। साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है वो किसमें चेंज हो गया था कोशिकीय भ्रूणकोश। तो ये जो भाग होता है वह किसका उदाहरण होता है वह कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण होता है। तो एग्जाम में एक सवाल आता है यदि नारी पुण्य को पूछा जाए तो वह कौन सा होगा केंद्र के भ्रूणकोश और यदि नारी की गिरी का पूछा जाए तो वह कौन सा भ्रूणकोश होगा कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप उतार सकते हैं। अब दूसरा जो आप कह रहे हैं कोशिकीय भ्रूणकोश जिसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं अब हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं कोशिकीय भ्रूणकोश जिसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं।
कोशिकीय भ्रूण कोष। इसके बारे में हम एक बार पहले कर चुके हैं कि यह आवरणीय पादपों के लगभग 25% पादपों के अंदर पाया जाता है। यह 56% के अंदर था और यह लगभग 25% पादपों के अंदर पाया जाता है। अब इस प्रकार का जो भ्रूणकोष होता है उसमें प्रत्येक कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्र विभाजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस की क्रिया भी होती रहती है जिसके कारण तुरंत ही भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो अभी हमने जो केंद्र के पढ़ा था तो इसमें क्या हुआ था, इसमें केवल केंद्र के विभाजन हो रहा था, उसमें कोशिकीय द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। लेकिन जो कोशिकीय भ्रूणकोष है उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्रिया लगातार साथ साथ होती रहती है। तो अपन बात करते हैं जैसे पेन है, ठीक है, अब इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, हिंदी में आप समझ गए होंगे, केंद्र विभाजन और दूसरा विभाजन कौन सा होता है, साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन। दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते रहते हैं, जिसके मूल जितनी कोशिकाएं बनेगी और हाथों हाथ क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन हाथों हाथ हो जाएगा। अर्थात जितने केंद्र बनेंगे केंद्र के साथ साथ क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, उसके अंदर हाथों हाथ वॉल फॉर्मेशन या भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसको भी अपन चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक, ये हो गया आपके एम्ब्रियो और ये हो गया आपके पेन जो कि त्रिअंग संरचना होती है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्र विभाजन हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस जिसको हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन अर्थात इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। तो जिसके फलस्वरूप जो केंद्र बनेंगे वो इस प्रकार से क्या करेंगे, हाथों हाथ साइटोकाइनेसिस के द्वारा क्या हो जाएगा, देखिए पहले कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्र के विभाजन के द्वारा एक केंद्र से कितने बन गए, दो केंद्र बन गए, ठीक है बन गए। अब देखो साइटोकाइनेसिस क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस करती है वॉल फॉर्मेशन करती है अर्थात भित्ति का निर्माण करती है। तो इनके मध्य क्या हो गया, भित्ति का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर आगे न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहा और साइटोकाइनेसिस चलता रहा, साइटोकाइनेसिस डिवीजन के साथ साथ में चलता रहा। तो अब क्या होगा हमें पता है, एक से दो, दो से चार, तो ऊपर की ओर क्या था, एम्ब्रियो था, ये ऊपर की ओर एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखिए एक से दो, दो से चार, अपन बात कर लेते हैं, ये पहला विभाजन, दूसरा, तीन और चार, तो एक केंद्र, दो केंद्र, तीन केंद्र और चार केंद्र, ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो बाद में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन लगातार प्रक्रिया चल रही है अर्थात कैरियोकाइनेसिस ऊपर की ओर होगा और साइटोकाइनेसिस क्रिया भी साथ साथ चलती रहेगी। तो जब चार बनके चार से क्या बन जाएगा, आठ बन जाएंगे। तो अपन चूंकि ऊपर की ओर भ्रूण पाया जाता है, ये एम्ब्रियो हो गया आपके, ठीक है। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ठीक है। इस प्रकार आगे और डिवीजन होगा तो वो 16 किस प्रकार से ये 12 विभाजन चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे भ्रूण हो गया और यहाँ पे एंडोस्पर्म हो गया, यहाँ पे चूसकांड भी गया, ऑस्टिया भी पाए जाते हैं जो कोष प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे केंद्र विभाजन के साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पे तुरंत ही साथ में वॉल का निर्माण हो गया। एक बात और देखो, पहली बात किसके अंदर वॉल का निर्माण हुआ, वॉल फॉर्मेशन हुआ, ये इसकी विशेषता की कोशिश की गई। और दूसरी बात जो केंद्र के विभाजन था तो उसमें पहले केंद्र के विभाजन होता है उसके बाद में कोशिकीय बनता है, अर्थात केंद्र के आगे जाके किसमें चेंज हो जाता है, कोशिकीय में। लेकिन कोशिकीय आगे जाके केंद्रीय में विभाजित नहीं होगा, तो ये अपने प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही अवस्था में बने रहते हैं। जबकि केंद्र के भ्रूणकोष था प्रारंभ में तो वो केंद्र की होता, लेकिन आगे जाके अंत में वो किसमें चेंज हो जाता है, कोशिकीय के अंदर। लेकिन जो कोशिकीय भ्रूणकोष था वो प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या बना रहता है, कोशिकीय अवस्था के अंदर बना रहता है।
ठीक है, आप इसको उतारिए तब तक। आगे भी देख लेते हैं, तो अभी तक हमने केंद्र के भ्रूणकोश और कोशिका के भ्रूणकोश पर अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे जो अंतिम है अपना हेलोबियम भ्रूणकोश, और हेलोबियम के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह जो होता है वो लगभग 17% होता है। अभी अपन इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जो अंतिम प्रकार है उसको भी अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जो तीसरा प्रकार वो आपका है हेलोबियम। देखिए इसके बारे में एक बात हम पहले कर चुके हैं कि ये आवर्तबीजी पादपों के लगभग 17% कुल के अंदर फैमिलीज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो जितने भी एकबीजपत्री मोनोकोट होते हैं, एकबीजपत्री जो फैमिलीज होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप स्टार लगा सकते हैं कि ये जो भ्रूणकोश होता है वह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणकोश का मध्यवर्ती होता है। आगे बात समझते हैं, ये केंद्रकीय और कोशिकीय जो भ्रूणकोश होता है दोनों का मध्यवर्ती होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। देखिए इसमें जो होता है जो पेन होता है उसमें प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है और इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। ये देखिए वापस मैं डायग्राम के द्वारा भी इसको समझा देता हूं। ये सबसे ऊपर की ओर क्या हो गया, एम्ब्रियो, ठीक है, और मध्य में क्या हो गया, पेन, ठीक है। पेन का पूरा नाम आपको पता है, ये त्रिकोणीय संरचना होती है। अब इसके अंदर जब विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अब इसमें दो प्रकार की कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है जो कि माइक्रोपाइलेट की होती है और एक छोटी कोशिका बनती है जो निभाग सेल की ओर बनती है। तो चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। अब इसके अंदर क्या होता है, जो नीचे की जो कोशिका होती है उसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। कौन सा होता है, मुक्त केंद्र के विभाजन, नाम स्पष्ट है, मुक्त केंद्र के विभाजन अर्थात जिसके अंदर सेल फॉर्मेशन नहीं, सॉरी वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। और जो बड़ी कोशिका होती है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है अर्थात इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, वॉल का निर्माण होगा। तो चित्र में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब मुक्त केंद्र के विभाजन होता है तो उसमें मध्य में क्या बन जाती है, एक रिक्ति का बन जाती है और उसके चारों ओर क्या होता है, चारों ओर केंद्रकों का जमाव हो जाता है। और जो जो जब